नमस्कार, सुरागी लाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। बाजपुर कोतवाली में लावारिस वाहनों की नीलामी, तकनीकी कारणों के चलते हुई स्थगित। दिव्यांग सशक्तिकरण के सदस्यों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर किया गया 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन। वनंदा सुनंदा के दर्शनों के लिए सुबह से ही लगी श्रद्धालु की भारी भीड़। नेशनल हाईवे 74 पर बना टोल प्लाजा एक बार फिर आया विवादों में, कर्मचारियों ने की गुंडागर्दी। होमगार्ड की हत्या करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार, तमंचा हुआ बरामद। नशा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही, 7.40 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला गिरफ्तार। अवैध असले के विरुद्ध गदरपुर थाना पुलिस की कार्यवाही, तमंचे सहित 32 बोर का जिंदा कारतूस बरामद। भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का हुआ जोरदार स्वागत। अब खबरें विस्तार से। भाजपुर कोतवाली में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों की नीलामी प्रक्रिया आयोजित की जानी थी, जिसमें 32 वाहनों को शामिल किया गया, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया, जिससे नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने आए लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, इसमें हमने जो गाड़ियां जिसकी नीलामी होनी थी, तो उसके बाद भी हमने छानबीन की, तो चौकी और थानों में कुछ और अन्य गाड़ियां जो है उसमें नीलामी के लिए शेष रह गई हैं, जिसके कारण से आज हम उनकी नीलामी नहीं कर पाएंगे। तुरंत ही 2-4 दिन के बाद हम नई डेट निकाल करके और सभी वाहनों का जो है नीलामी कराएंगे। उधम सिंह नगर के खटीवा में चौहान पेट्रोल पंप पर दिव्यांग सेल्समैन के साथ 3 कार सवारों ने मारपीट की, इसके बाद दिव्यांग सशक्तिकरण के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भेजा और आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। 3 तारीख का मामला है, रात 9 बजे का। मेरे साथ वाले ने उनका डीजल डाला था, उनके पास पैसे नहीं थे और कार्ड भी नहीं था उनके पास। वो कह रहे थे पेटीएम कराएंगे, पेटीएम हमारे पेट्रोल पंप में है नहीं, तो मैंने अपना बार कोड उन्हें दिया और फिर वो मेरे बार कोड को जल्दी स्कैन नहीं कर रहे थे और ना ही पैसे डाल रहे थे। मैंने उनसे कहा भैया जल्दी कर दो, तो इतने में उनने गाली बकना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें रोका, भैया गाली मत दो। उनने फिर और गाली दिया, गंदी गंदी गाली देने लगे मुझे। फिर मैंने कहा जाओ तुम, तो इतने में आगे वो मुझे बाहर गाड़ी खड़ी करी और फिर आगे मुझे मारने लग गए। और हम जो हमारे फेमा स्थित है, उसमें किसी भी व्यक्तियों द्वारा, 2-3 व्यक्ति थे उनके द्वारा, जो सेल्समैन था उसके साथ मारपीट और अभद्रता की गई है। पुलिस ने अब उनकी अरेस्टिंग हो गई है, उनके खिलाफ उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम उचित माध्यम से उसको पहुँचा देंगे और हम पुलिस को सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि एक तो दिव्यांग लोग हैं और ऊपर से उनके ऊपर गाली गलौज करना और वो एसटी वर्ग से भी बिलोंग करता है, तो दोनों मैं चाहूंगा पुलिस को मैं निर्देशित करूंगा कि इसमें सबसे सख्त कार्रवाई। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब ला। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार के फैसले को वापस लेने तक धरना जारी रखने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह महारा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में पौराणिक नंदा देवी महोत्सव चल रहा है, जिसमें मां नंदा सुनंदा के दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ लगी हुई। वहीं दूसरी ओर स्थानीय कवियों के कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 74 पर बना टोल प्लाजा अक्सर विवादों से घिरा रहता है। वहीं एक बार फिर टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा की गई गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जिसमें छोटे से विवाद पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिसने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। टोल टैक्स पर एक बाइक सवार युवक जो है, बारिश हो रही थी तो खड़ा हो गया था, उनके जो टीन सेट बनाया हुआ है और उसी पर उनकी भी गाड़ियां थी जो टोल टैक्स कर्मी हैं, तो उनकी टोल टैक्स कर्मियों की गाड़ी पर हेलमेट उस बाइक सवार ने रख दिया था, थोड़ी देर रुका था, तो इसी बात को लेकर उनका आपस में झगड़ा हुआ और उसमें मारपीट हुई, तो उसी में जो है बाइक सवार को जो है चोटें आई थी, जिसके संदर्भ में FIR रजिस्टर हुई है थाना कुंडा में
और विवेचना उसमें प्रचलित है। कुलभट्टा थाना पुलिस ने होमगार्ड के प्लाटून कमांडर की हत्या करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा तथा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। में कफील अहमद नामक एक वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिन पर पूर्व में 302 का मुकदमा दर्ज है। इन्होंने एक होमगार्ड के पीसी की हत्या की थी और साथ में इन पर मारपीट के और चोरी के भी मुकदमे दर्ज हैं। तो इनको पकड़ने में काफ़ी पुलिस टीम को मशक्कत करनी पड़ी और इनको काफ़ी चेज़ करने के बाद पकड़ा गया। और इनके अरेस्टिंग पे ऑलरेडी काफ़ी इनसे घटनाओं में कमी आएगी और इन पर काफी बड़ा आपराधिक इतिहास है इसका, तो ये अच्छा सराहनीय कार्य किया है कुलभट्टा पुलिस ने। जनपद उधम सिंह नगर द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। वही चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से 7.40 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक अदद तमंचा और 32 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल पहली बार किच्छा पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। महिलाओं को जोड़ना है, महिला मोर्चा मजबूत बनाना है और आने वाले समय में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, हमारी महिला मोर्चा बूथ लेवल तक काम करती है और आपने देखा होगा कोरोना काल हो, चाहे राम मंदिर के लिए जो पैसा एकत्रित हो रहा था मंदिर निर्माण के लिए, हमेशा महिला मोर्चा सक्रियता के साथ काम करता है और इसी तरह से आगे भी मजबूती से काम करता रहेगा। आज हमारी नवनिर्वाचित आशा नौटियाल जी यहाँ पर किच्छा में आई और महिलाओं को बहुत अच्छी दिशा निर्देश दे करके गई हुई हैं। उन्होंने कहा महिलाओं से कि एकजुट होकर के हमने सबने काम करना है और जो 2024 के चुनाव आएंगे उसमें सभी लोगों को अच्छी तरीके से भागीदारी निभानी है और जो हमारे मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए भी चलाई हैं वो महिलाओं का भी हमारी महिलाओं को भी भरपूर लाभ मिल रहा है उसका, तो इससे हमारी महिलाएँ बहुत ही खुश हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा है बहुत सक्रिय रहेगी 2024 में और हम लोग जीत हासिल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।